राहुल इस भैंस को प्यार से पुचकारो, प्यार से, तभी तो ये दूध देगी। मैं तो इस भैंस को खरीद कर फंस गया। आज इसे शहर से खरीद कर लाए हुए 5 दिन हो गए, 1 लीटर दूध नहीं दिया इसने। प्यार से इस भैंस के ऊपर हाथ फिराओ, तभी ये दूध देगी मुझे लगता है। और राहुल मैंने कहा था कि लालू जी को बुला लेना, वो अपने इस गांव में भैंस से दूध निकालने में माहिर है, उनसे भैंस से दूध निकलवा के देखेंगे, शायद उनके हाथ से ये भैंस दूध दे दे। फिलहाल मेरे हाथ से तो ये दूध दे नहीं रही है। मोदी जी, जब अपने शहर में भैंस खरीदने के लिए गए थे, मैंने आपसे कहा था इस भैंस को मत खरीदो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। इसने जब से खरीद कर लाए 1 लीटर भी दूध नहीं दिया है, और ऊपर से इसके पास खड़े होना पड़ता है, प्यार से इसके ऊपर हाथ फहराकर पुचकारना पड़ता है, शायद ये दूध दे दे, लेकिन ये दूध दे ही नहीं रही है। अरे लालू जी भी आ गए। लालू जी, आप दूध निकाल कर देखो इस भैंस से, शायद आपके हाथ से ये दूध दे दे। मोदी जी, इस भैंस से दूध निकाल रहे हैं, लेकिन ये भैंस दूध देने का नाम ही नहीं ले रही है। मोदी जी, मैं भैंस देखकर ही बता देता हूँ ये भैंस दूध देगी कि नहीं देगी। आप जो इस भैंस को खरीद कर लाए हो, ये भैंस किसी हाल में भी दूध नहीं देगी। मैं लिख कर दे देता हूँ, आप गलत भैंस खरीद कर ले आए। लेकिन लालू जी बताओ तो, ये दूध क्यों नहीं देगी? पूरे 50,000 में मैं इस भैंस को खरीद कर लाया हूँ, बताओ तो क्या दिक्कत है इस भैंस में? मोदी जी, ये तो अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। लेकिन हाँ, फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ, ये भैंस कभी भी दूध नहीं देगी, इसे जल्द से जल्द बेच दो। लेकिन लालू जी, एक बात समझ में नहीं आती, आपको इतना एक्सपीरियंस हो कैसे गया है? भैंस देखकर आप बता देते हो कि ये भैंस दूध देगी कि नहीं देगी। तो क्या करूं मोदी जी, खाली आज जाऊं मैं? 2 घंटे से खड़ा हुआ हूं, ये बताओ आपकी भैंस दूध देगी कि नहीं देगी? लगता है आज भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। 4 दिन से मैं आ रहा हूं और खाली लौट कर जा रहा हूं मैं। कैसी आप भैंस खरीद कर लायो जो दूध ही नहीं दे रही है? अखिलेश, अब खाली लौट जाओ, क्योंकि जब लालू जी ने कह दिया ये भैंस दूध नहीं देगी, तो ये भैंस कभी भी दूध नहीं देगी, क्योंकि उन्हें बहुत तजुर्बा है इस बात का, बहुत एक्सपीरियंस है। मोदी जी, जल्द से जल्द इस भैंस को बेच दो। और क्या करेंगे फिर, बेच ही देंगे इस भैंस को, क्या फायदा है ऐसी भैंस रखने का जो दूध ही नहीं दे रही है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ चुपके, तुम जो कर रहे हो बहुत देर से देख रहा हूँ। अरे मोदी जी, क्या बताओ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या देख रहे हो आप, मुझे बताओ तो क्या चीज। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, तुम मुंह क्यों चला रहे हो ये बताओ। अरे कम से कम इन रसगुल्लों को बन जाने तो दो, तुम चुपके से एक रसगुल्ला उठाते हो और अपने मुंह में रख जाते हो। ऐसी कई बार तुम रसगुल्ले खा चुकी हो। अरे नहीं मोदी जी, झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ 5 रसगुल्ले खाए मैंने आपके हाथ के बने हुए। असल में आपके हाथ के बने हुए रसगुल्ले है इतने अच्छे, ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी थाल खा जाऊं। मोदी जी, एक उठाकर और खा लूं, एक की इजाजत और दे दो, बस एक रसगुल्ला और खा लेता हूँ। देखो राहुल, ये रसगुल्ले बनाकर मुझे बांटना है सब जगह। तुम सब लोगों को दावत पर बुलाया है, सबको बराबर बराबर खिलाऊंगा मैं। अब तुम एक भी चुपके से रसगुल्ला उठाकर मत खाना, 5 रसगुल्ले तुम पहले ही खा चुके हो। मोदी जी, एक रसगुल्ला उठाकर मैं खा सकता हूँ? मुझे तो दे दो एक रसगुल्ला। जब अखिलेश चुपके से 5 खा गया, तो एक मैं आपसे पूछ कर खाना चाहता हूँ, दे दो एक रसगुल्ला। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आपके रसगुल्ले में से। देखो राहुल, साफ-साफ एक बात बता देता हूँ, अखिलेश तो चुपके से उठाकर रसगुल्ले खा गया, वो तो जब इसने मुंह में रसगुल्ले रखे तो मुझे पता चला ये रसगुल्ले खा रहा है। अगर ये मुझसे पूछ के रसगुल्ले खाता तो मैं एक भी रसगुल्ला इसे नहीं देता, और ना तुम्हें दूंगा मैं। तुम मुझसे पूछ रहे हो एक रसगुल्ला खाने के लिए, मैं एक भी रसगुल्ला तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन ये मुंह चलने की आवाज किसकी आ रही है? अरे मोदी जी, राहुल की तरफ देखो, राहुल की तरफ। राहुल चुपके से एक रसगुल्ला उठाकर खा गया। जब वो आपसे मांग रहा था एक रसगुल्ला, तो आपने क्यों नहीं दिया? इसीलिए वो चुपके से उठा के खा गया, उसी का मुंह चल रहा है, उसी के खाने की आवाज आई है। लगता है तुम ये रसगुल्ले बनाने ही नहीं दोगे। जब तक ये रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे, तुम दोनों की दोनों थाल में से सारे के सारे रसगुल्ले चुपके से खा जाओगे। योगी जी, आप नजर रखे रहो दोनों थालों पर, ये कोई भी अब रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है, क्योंकि मेरा ध्यान कढ़ाई की तरफ है, ये कढ़ाई में और रसगुल्ले बनकर तैयार हो रहे हैं। अरे मोदी जी, मैं क्या ध्यान दूंगा, 2-4 रसगुल्ले मैं भी चुपके से उठा के खा चुका हूँ। तुम्हारे हाथ के बने हुए रसगुल्ले हैं इतने अच्छे, रहा ही नहीं जा रहा है, कई रसगुल्ले उठाकर मैं चुपके से खा गया। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी सर जी, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, आज के बाद मैं आपके स्कूल में कभी भी पढ़ने के लिए नहीं आऊंगा। ये बताओ, आप क्लासरूम में पढ़ाई छोड़कर कैरम का खेल सिखा रहे हो हमें? अरे राहुल, पढ़ाई के साथ साथ कैरम का खेल भी सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा है, बातों ही बातों में मैंने अमित शाह जी का स्कूल है जो सामने, उनके स्कूल के स्टूडेंटों से मैंने तुम लोगों का कंपटीशन कराने की शर्त लगा ली है, और अमित शाह जी से मैंने कहा है
कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट ही कैरम का खेल जीतेंगे। लेकिन मोदी सर जी, ये आपने बिना सोचे समझे कैरम के खेल के कंपटीशन की शर्त क्यों लगा ली अमित शाह जी सर के स्कूल के स्टूडेंटों के साथ? ऐसा है मोदी जी, एक बात बताऊं, अमित शाह जी के स्कूल के स्टूडेंट कैरम का खेल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हमें तो इस कैरम के खेल का ABCD भी नहीं आता है। हाँ, हम कबड्डी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कबड्डी की खेल की शर्त लगा लो उनके स्टूडेंटों के साथ हमारी। राहुल, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम सब लोगों को कैरम का खेल सिखाने के लिए मैंने ये देखो योगी जी को बुलाया है। ये अपने गांव के कैरम के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। ये तुम लोगों को कैरम का खेल खेलना सिखाएंगे। वैसे मोदी सर जी, एक बात बताना, हमारा कंपटीशन है कितने दिन बाद? आपने अमित शाह जी के स्टूडेंटों के साथ हमारे कंपटीशन की किस दिन की तारीख रखी है? किस दिन हम दोनों मिलकर खेल खेलेंगे? अरे केजरीवाल, तारीख तो कल ही की है। कल तुम सब लोगों को अमित शाह जी के स्टूडेंटों के साथ प्रतियोगिता करना है और जीतना है, हारना नहीं है। योगी जी, इन्हें कैरम का खेल सिखाना शुरू करो, बहुत अच्छी तरीके से सिखाना, समझ लेना, हारना नहीं है इन लोगों को। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, एक दिन में मैं कैरम खेलना कैसे सिखा सकता हूँ इन सब लोगों को? कम से कम एक महीने की तो तारीख रखते सिखाने के लिए। मैं एक दिन में इन्हें कैरम का खेल खेलना नहीं सिखा सकता, मैं जा रहा हूँ वापस। योगी जी, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। देखो, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने अमित शाह जी के स्टूडेंटों के साथ इन सब लोगों की प्रतियोगिता के लिए जमान दे दी है, इसीलिए इन्हें सिखाना ही होगा तुम्हें। लेकिन मोदी सर जी, हम तो कैरम का खेल सीखना ही नहीं चाहते हैं, हम नहीं खेलेंगे कैरम का खेल। अच्छा मोदी सर जी, आप ये एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि अमित शाह जी को मैंने जुबान दे दी है, जुबान तो आपके मुंह में है, जुबान कहां पर दी है आपने? अखिलेश, ज्यादा मजाक मत करो, एक दिन में तुम्हें कैरम का खेल सीखना है, आखिरी वार्निंग है। योगी जी, एक दिन में सिखाओ इन्हें कैरम का खेल। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।